बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया है पीएसटी का पेपर, एसटीएस के ज़रिए ये पेपर हो चुका था और आज इसका आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं, साइंस पार्ट। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, सोशल स्टडीज़ के, उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं दोस्तों, आप उनको विज़िट करके वॉच कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं साइंस पार्ट क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ है कि देयर आर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन, इसमें एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप सर्च करें बुक्स में भी अक्सर जगह पर यहाँ पर ए को करेक्ट किया हुआ है, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। इसमें एक करेक्ट ऑप्शन या तो बी है या सी है, लेकिन ज़्यादातर करेक्ट ऑप्शन ये सी जो है ना, 15, ये 25 नहीं बल्कि 15 है। आई थिंक अगर ये 15 है तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 15, एक्चुअली 14 का मैंने सुना है, लेकिन इसमें दिया गया है 15। तो आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा आपने कंफर्म करना है। आप सर्च करोगे तो आप गूगल पर आपको नहीं मिलेगा इसका, ये किसी एक्सपर्ट से पूछ लेते कि जो बायो या जूलॉजी का हो तो आपको सही तरीके से बताएगा। मैंने खुद बायो वाले से पूछ लिया है, वो 14 का बता रहे हैं कि 14 है, लेकिन यहाँ पर 14 का लफ्ज़ है ही नहीं, तो 15 उसके करीब तर है। एनी हाउ, इसको थोड़ा सा आप कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है उसको कौन रेगुलेट करता है? आयोडीन उसको रेगुलेट करता है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 78 नंबर, स्मॉल ओपनिंग्स इन अ लीफ आर कॉल्ड, पत्ते में ना, दरख्तों के पत्तों में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टोमेटास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड 79 नंबर क्वेश्चन, स्पर्म्स फ्यूज विद एग्स टू फॉर्म जायगोट, इट इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, इफ द ब्लड फेल्स टू क्लाट देयर विल बी डिफिशेंसी ऑफ विटामिन के, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के जो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो ये ऑप्शन सी जो है, दिस इज ऑर्बिट इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, 82 द लाइन्स आर मेप और रिप्रेजेंटिंग द सेम टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट रीजन इसका आइसोथर्म्स, आइसो के मानी है एक जैसे और थर्म्स के मानी है टेम्परेचर, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन को देखे, The elements emitting radiation are known as radioactive, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और 84 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि physical change, a physical change does not involve change in composition, physical एक होता है chemical change, chemical change में compositions change होते हैं, कि physical change में just shape, color और ये तीनों change होते हैं, लेकिन उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन, पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटी, ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड अर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अपोजिंग पोल ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिंग जो मुखालिफ होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास रैपिडली
आर, आर उसको इंसुलेटर्स कहते हैं, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर ओपेक, और जिससे गुजरते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। 89 नंबर, अब क्वेश्चन जो है ना ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स। 89 नंबर क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड सिस्टम, यस दिस इज ट्रू, ऑप्शन ए है। और 90 नंबर क्वेश्चन, प्रोड्यूसर्स ट्रैप द सनलाइट टू मेक फूड, यस प्रोड्यूसर प्लांट्स को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91, ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एयर बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस ऑप्शन ए ट्रू है। और 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेल्स ऑफ आवर स्किन ब्लड एंड मसल रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ए सेक्सुअली, ये गलत है, ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 जरा देखिए दोस्तों, इट इज ऑल्सो ट्रू, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 नंबर, कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, फॉल्स, ये गलत है दोस्तों, उसको ऑक्सीडेशन, एनी हाउ दिस इज फॉल्स, ऑप्शन सी बी है। और 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इज कॉल्ड इको, यस ट्रू, ऑप्शन ए। और 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 96 कहते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन यूज न्यूक्लियर फ्यूल, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 97 नंबर देखिए, द सब्सटेंसेस विच स्पीड्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड सॉल्वेंट, फॉर फॉल्स, ये भी गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और उसको कैटालिट कुछ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 98, ऑन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर हेट्रोजीनियस नहीं होते, ये गलत है दोस्तों, फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अ प्योर सब्सटेंस कैन ईदर बी एलिमेंट और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर नहीं हो सकता, फॉल्स। और 100 देखिए, सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, यस ट्रू। तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों, जिन दोस्तों को पसंद आए, समझ गए हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।